हेलो स्ट्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सैरीश इंस्टीट्यूट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एन बोर्ड से रिलेटेड सो so, काफी सारे बच्चे जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं अपनी ओरिजिनल मार्कशीट से रिलेटेड कि कब आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट जो आप लोग के स्टडी सेंटर पर आ जाएगी कब मिल जाएगी आप लोग को आपकी ओरिजिनल मार्कशीट अभी फिलहाल तो डिजी लॉकर से काम चल रहा है आप लोग का मैं जानती हूँ सो so, डिजी लॉकर का पूरा फॉर्मेट जो मैंने अलग से वीडियो में दो तीन वीडियोज़ में आप लोगों को बता दिया था किस तरह से अकाउंट बनाना है किस तरह से आप लोग को अपनी ओरिजिनल सॉरी किस तरह से आप लोग को अपनी मार्कशीट जो है उसमें निकालनी है किस तरह से आप लोग का काम चलेगा उससे डिजी लॉकर से तो फिलहाल अभी डिजी लॉकर से ही काम चल रहा है आप लोग का और जहाँ तक आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट की बात किया जाए तो आप लोग की ओरिजिनल मार्क्शीट जो है पच्चीस अगस्त के आसपास जो है रीजनल सेंटर से स्टडी सेंटर पर डिलीवर किया जाएगा तो आप लोग अगर आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आप तक कब पहुंच जाएगी तो एक्जैक्टली अगर वो बताया जाए तो आप लोग पच्चीस अगस्त को रीजनल सेंटर से स्टडी सेंटर तक आप लोग की मार्कशीट डिलीवर होगी उसके बाद मतलब आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग अट्ठाईस अगस्त से जो है अपने स्टडी सेंटर पर कॉन्टेक्ट करना शुरू करिएगा ठीक है कुछ कुछ हो सकता है स्टडी सेंटर पर आप लोग के बता दिया जाए कि आप लोग आकर ले सकते हैं ठीक है थीके? जो भी वहाँ का सिस्टम हो आप लोग के स्टडी सेंटर का तो आप लोग अट्ठाईस अगस्त से जो है अपना कॉन्टैक्ट करना शुरू करिए स्टडी सेंटर पर अगर आप लोग के पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो बहुत अच्छी बात है घर से ही फ़ोन करके पहले पता कर लीजिए कि आप लोग की मार्कशीट आई है या नहीं आई है ठीक है तो सारी चीज़ सारी कन्फर्म होने के बाद आप लोग अपना जाएँ स्टडी सेंटर पर विजिट करके जाकर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपना रिजल्ट जो है पूरा आप लोग का सर्टिफिकेट्स वगैरह ले सकते हैं ठीक है और बाकी इनकेस अगर आप लोग के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप लोग फिर जाकर आप लोगों को पता करना पड़ेगा अपने स्टडी सेंटर पे कि आप आप लोग की मार्कशीट आई है या नहीं आई है कब तक आ जाएगी ठीक है वैसे तो पच्चीस अगस्त के बाद जो है आप लोग के रीजनल से सेंटर से स्टडी सेंटर पर सेंड कर दिया जाएगा मार्कशीट बाकी वो आप लोग के स्टडी सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो आप लोग को कब देते हैं ठीक है थीके? लेकिन फिलहाल जब तक आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग को मिल नहीं जाती आप लोग की सर्टिफिकेट्स नहीं मिल जाते तब तक आप लोग को डिजी लॉकर से ही काम चलाना होगा वही आप लोग के लिए फिलहाल के लिए अभी एक सॉल्यूशन है आप लोगों के पास इसके अलावा आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट के बारे में मैंने आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया है बाकी अक्टूबर वाले बच्चे जो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पूछ रहे थे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था लग सी वीडियो बनाकर बता दिया था कि आप लोग का सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में जो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर ऐसी कोई भी अपडेट होती है क्योंकि फिलहाल अभी कोई भी ऐसा कंफर्म न्यूज नहीं है कि आप लोग के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे है ना तो वो सारी चीज कन्फर्म होने के बाद आप लोग फाइनली एग्जाम नोटिस आएगा तो मैं खुद अपने चैनल पर आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होने वाले हैं होंगे या नहीं होंगे या एग्जाम पोस्टपोन होगा या एक्जैक्टली उसी मंथ में होगा क्योंकि जहां तक अभी तक अगर ये अपडेट की बात किया जाए तो आप लोग के एग्जाम अक्टूबर मान के ही चलिए आप लोग कि अक्टूबर में ही आप लोग के एग्जाम लिए जाएंगे और अगर एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम आप लोग बिल्कुल यही हंड्रेड परसेंट मैं मेरी तरफ से श्योरिटी है आप लोग की कि आप लोग एग्जाम जरूर होंगे अभी ऐसा कोई भी क्योंकि थर्ड वेव भी है जो कंट्रोल कर ली गई है तो आप लोग का कोई भी ऐसा यहाँ पे रीजन नहीं बनता है कि आप लोग को प्रमोट को लेकर के बात उठे तो आप लोग का जो है मैक्सिमम चांसेस हंड्रेड यही मान के चलिए कि आप लोग के एग्जाम जरूर लिए जाएंगे और अक्टूबर में ही लेने के ज्यादातर चांसेस हैं बाकी आगे कोई अपडेट होती है ना इस बोर्ड की तरफ से कोई न्यू नोटिस आता है या कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूँगी ठीक है कि अक्टूबर वाले बच्चे जिन बच्चों ने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फीस पे नहीं एग्जामिनेशन फीस पे कर दीजिए और आप लोग के टीएमए की लास्ट डेट जैसे कि मैंने बताया था एक्सटेंड हो गई थी थर्टी फर्स्ट अगस्त तक जो है आप लोग की लास्ट डेट है तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना टीएमए बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट नहीं करवाया प्लीज फटाफट से अपना टीएमए बनाकर सबमिट करवा दीजिए जिन बच्चों के स्टडी सेंटर बंद हो चुके हैं मैंने वो भी बताया था आप लोग को कि उनके पास ये सॉल्यूशन है कि अपने रीजनल सेंटर पर जाकर के अपने स्टडी सेंटर की सारी इंफॉर्मेशन बताकर कि आप लोग का स्टडी सेंटर परमानेंटली क्लोज हो चुका है या फिर आप लोग के स्टडी सेंटर वाले आप लोगों का टीएमए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो जो भी आप लोग का रीजन है अपने रीजनल सेंटर पर जा आप लोग बताइए वहां पे अपने रीजनल सेंटर पे जाकर अपना टीएमए आप लोग सबमिट करवा सकते हैं ठीक है फिर भी अगर कुछ डाउट होता है कुछ सम, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो अक्टूबर वाले बच्चों की होगी प्रैक्टिकल एग्जाम अपडेट मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी तक कोई भी ऐसी डेट शीट नहीं आई है बाकी कोई भी अपडेट होगी आप लोग सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक तक जो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड प्लस आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड ठीक है एग्जाम होगा या नहीं होगा ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि गारंटी आप लोग का एग्जाम इस बार जरूर होगा और हो सकता है अक्टूबर के महीने में ही हो ये भी ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों अक्टूबर महीने में ही एग्जाम लिए जाएंगे एग्जामिनेशन फीस आप लोग की जो है पे हो रही है तो फटाफट से जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करी वो एग्जामिनेशन फीस पे कर दीजिए और आप लोग की की सबमिट करवाने लास्ट डेट है थर्टी अगस्त तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना टीएमए सबमिट नहीं करवाया अपने स्टडी सेंटर पर टीएमए सबमिट करवा दीजिए ठीक है अब आती है लास्ट अपडेट आप लोग की जून एग्जामिनेशन जो आप लोग ने रिसेंटली जून वाले बच्चों ने एग्जाम दिया है प्लस आप ऑन डिमांड प्लस आप लोग का कंपार्टमेंट वाले बच्चे जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है आप लोग फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ठीक है एडमिशन ओपन है ऑन डिमांड के भी एडमिशन ओपन है तो आप लोग जो है फटाफट से अपना ऑन डिमांड में अगर एडमिशन करवाना करवा सकते हैं जून वाले बच्चे जो फेल हो गए थे जून में तो अगर उन्हें ऑन डिमांड में जाना है तो अपना एडमिशन जो है फटाफट से ऑन डिमांड वाले बच्चों में करवा लीजिए तो जो बच्चे फेल हो चुके हैं आप चाहे कंपार्टमेंट वाले हों ऑन डिमांड वाले हो या जून एग्जामिनेशन टू वाले हों तो जिन बच्चों का एडमिशन करवाना है फटाफट से अपनी सीट बुक करवा लीजिए ठीक है इससे पहले टाइम निकल जाए और अक्टूबर वाले बच्चों को भी सारी अपडेट जो मैंने बता दी है ठीक है औरिजिनल मार्कशीट वाले बच्चों के लिए भी मैंने बता दी कि आप लोग को पच्चीस अगस्त के बाद आप लोग अपने स्टडी सेंटर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी मार्कशीट जाकर ओरिजिनल मार्कशीट जाकर ले सकते हैं फिलहाल आप लोगों को डिजी लॉकर से काम चलाना होगा ठीक है आप लोग के स्टडी सेंटर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा पच्चीस अगस्त के बाद फ़ौरन नहीं ठीक है और आप लोग जो बच्चे फेल हो चुके हैं जून एग्जामिनेशन में और ऑन डिमांड में कम्पार्टमेंट में वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं इसके अलावा ऑन डिमांड वाले बच्चों के एडमिशन जो है ओपन है तो फटाफट से जिन बच्चों को सीट बुक करवानी है फटाफट से अपना एडमिशन करवा लीजिए सीट बुक कर लीजिए अपनी और अक्टूबर वाले बच्चों के बारे में मैंने टीएम है आप लोग एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम और जितनी भी चीजें थी आप लोग एग्जाम होगा या नहीं होगा ठीक है वो सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दिया इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी वक्त पर सारी इनफॉर्मेशन सारी अपडेट जो, तो जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल होती है तो फटाफट से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए सारी इनफॉर्मेशन सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसी के बगल में बेलाइन है उसे जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग की कॉन्टैक्ट में है सबके साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी इनफॉर्मेशन पहुँच सके और कुछ डाउट होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोग को डाउट हो होनाइस में अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो भी आप लोग कुछ भी पूछना हो एन आई से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ अब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक टेकेयर फॉर हेल्थ एंड इम्यूनिटी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू